नमस्कार, मेरा नाम है फहीम और आपने शुरू कर दिया है देखना न्यूज़ इंडिया तक। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान श्रीनगर में और श्रीनगर में एक आज दुकान का उद्घाटन हुआ। आपको बताया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिवान टाइल्स वर्ल्ड के नाम से यहाँ एक दुकान खुला है जो कि हसनपुरा निवासी का ये दुकान है, जिसमें सिवान सदर विधायक वर्तमान विधायक और बिहारी चौधरी जी आए हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि ये एक सिवान में माना जाना दुकान माना जाएगा क्योंकि यहाँ हर एक वैरायटी का आइटम रखा गया। आपको बताएं कि सिवान के लोगों के लिए ये एक बहुत ही बेहतर है क्योंकि मार्केट से निकल करके श्रीनगर के साइड में जो कि खुला जगह बताया जाता है, वहाँ पर ये टाइल्स का दुकान का जो ओपनिंग है, जिसमें सिवान सदर विधायक और बिहारी चौधरी जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आज यहाँ उद्घाटन हुआ, लेकिन ख़ास बात यह है कि सिवान मार्केट से निकल करके श्रीनगर में खादी भंडार के सामने ये दुकान का उद्घाटन हुआ, जो कि सिवान वासियों के लिए एक बहुत ही बेहतर है। लोग जाम से बचेंगे और यहाँ बेहतर मटेरियल भी मिलेगा। यहाँ के जो संचालक हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सिवान सदर विधायक और बिहारी चौधरी जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। टाइल्स का यहाँ पर दुकान खुला है सिवान खादी भंडार के सटे उत्तर तरफ पीच रोड पर, और इस इलाके में जाम का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। श्रीनगर से लेकर के दरोगा राय कॉलेज से लेकर के पूरे मतलब शहर में जाने वाले लोगों को घंटों घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। वैसे परिस्थिति में जाम को ठीक करने का काम अभी तक मैंने प्रशासन से पूर्व में भी कहा कि भाई इस जाम के लिए व्यवस्था आप लोग कीजिए, जाम से मुक्ति दिलाइए, क्योंकि कोई आदमी सीरियस बीमार पड़ जाए तो अस्पताल ले जाते रास्ते में ही दम तोड़ देगा। लेकिन अभी तक कोई जाम से मुक्ति के लिए कोई उपाय नहीं हो पाया है। अभी अभी दाहा नदी पर एक ब्रिज बन रहा है, पुल, तो अब पहले पुल से भी लोग उधर से आ जाते थे आ इधर से चले जाते थे, तो जब बन रहा है स्वाभाविक है कि अब एक पथिये हो गया है, जो नया पुल था उसी से लोग जाते हैं आते हैं, तो और जाम का सामना कर पड़ रहा है। तो खैर, उसको तो बनना है, बढ़िया चीज़ है, कंस्ट्रक्शन हो और बढ़िया तरह बने, जनता जनार्दन का ध्यान भी आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो दाहा नदी में पुल बन रहा है लोग देखेंगे, आखिर बढ़िया तरह बने, अच्छा ईंट लगे, अच्छा बालू लगे, अच्छा रॉड लगे, अच्छा सीमेंट लगे, और जो एस्टीमेट में जो व्यवस्था है उसके मुताबिक काम हो, तो ये तो बढ़िया बात है। हम लोग सब लोग सहयोग करेंगे उस काम को कि काम बढ़िया तरह हो। लेकिन जाम से मुक्ति के लिए प्रशासन को कोई व्यवस्था करना चाहिए। तो आज का संदर्भ है कि टाइल्स का यहाँ दुकान खुल गया खादी भंडार के सामने। यह दुकान इस इलाके के और पश्चिमी इलाके के जिनको टाइल्स की ज़रूरत होती मकान में दुकान में लगाने के लिए, तो उनके ज़रूरत को पूरा करेगा। अब बहुत अच्छे अवसर पर अब बहुत ज़बरदस्त इसकी आवश्यकता थी, आज जो टाइल्स का ये जो मैंने दुकान खुल गया तो आवश्यकता थी, आवश्यकता की पूर्ति हो गई। तो हम चाहेंगे कि जो इसके प्रोपराइटर हैं, मालिक हैं, उनके द्वारा बढ़िया टाइल्स दिया जाए और इनके दुकान के बिक्री जो है रात दूनी बढ़े और दिन चौगुनी बढ़ जाए, तो बड़ी खुशी की बात है। हम लोगों का मैंने आशीर्वाद और सहयोग, मैं अपना बात कर रहा हूँ, ये प्रोपराइटर के साथ रहेगा, इन्हें जहाँ ज़रूरत लगेगी हम इन लोगों को यहीं बगल में हम भी रहते हैं, मदद करते रहेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हैं सिवान सदर के विधायक थे और बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के संयोजक भी हमारे साथ थे। अभी हमारे साथ यहाँ के प्रोप्राइटर हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम शमशाद अली है। शमशाद जी, ये बताइए कि किस तरह की सर्विसेज आप यहाँ लोगों को आप दे रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छा हम लोग सर्विस दें, जितने हमसे अच्छा होगा इतना हम लोग सर्विस दें,
जितने अच्छे जो मटेरियल है, मटेरियल भी जितना हम लोग से अच्छा होगा उतना हम लोग सर्विस देंगे, मटेरियल भी और जो भी जितना हम लोग से हेल्प होगा उतना हम लोग हेल्प करेंगे। जो भी आदमी आएंगे, जो भी क्लाइंट आएंगे उसको हम लोग हेल्प करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हर वैरायटी के यहाँ नल लगे हुए हैं। इस साइड हम दिखाना चाहेंगे कि हर तरह के डिज़ाइन वाले, हर तरह वॉलपेपर वाले यहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस वक्त हम मौजूद थे सिवान शहर के श्रीनगर में खादी भंडार के सामने। सिवान टाइल्स वर्ल्ड के नाम से एक दुकान खुला जो कि हसनपुरा निवासी का है, और आपको बताएं कि हर तरह की वैरायटी यहां मिलेगी। और यहां जो संचालक थे उन्होंने भी बताया कि यहां बेहतर तरह से लोगों को सर्विस दिया जाएगा, ग्राहकों को सर्विस दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ अपने सहयोगी कैमरामैन जावेद के साथ। फहीम, न्यूज़ इंडिया तक, सिवान।